अगली खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से है, जहां शहर के सोरेद वार्ड में नेशनल हाईवे में संचालित देशी शराब दुकान हटाने को लेकर वार्ड की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। शराब दुकान नहीं हटने पर वार्ड वासियों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। दरअसल नवागांव वार्ड में संचालित देसी शराब दुकान को वहां विरोध के बाद नेशनल हाईवे में सोरेद वार्ड में संचालित किया जा रहा है, जिसे हटाने वार्ड के लोग लगातार लगे प्रशासन से मांग कर रहे हैं। कई बार शिकायत और प्रदर्शन के बाद भी शराब दुकान नहीं हटाया गया, जिससे वार्ड की महिलाओं में काफी आक्रोश है। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान की वजह से काफी परेशानी हो रही है और आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इस मांग को जायजता को देख लिया जाएगा और यथासंभव प्रयास किया जाएगा, और मैं सभी से अपील करती हूँ कि मांगे हमेशा रहती है, कुछ पूरी हो पाती है, कुछ नहीं पूरी हो पाती, पर लोकसभा चुनाव जो होता है वो आपके लिए वोटर के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करना आपकी ड्यूटी भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यदि किसी कारणवश आप उस अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अपने नागरिक होने के कर्तव्य को भी वांछित करते हैं। तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ मताधिकार का प्रयोग करें और जिला प्रशासन की तरफ से आपकी समस्याओं का जितना समाधान हम कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। ये जो शराब दुकान है, ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ है देसी शराब दुकान नवागांव वार्ड, लेकिन वो सोरेद में खुला हुआ है, इसका हम लोग आपत्ति करते हैं। अच्छा, दूसरा ये शिक्षित मोहल्ला गली जो कॉलोनी है, शिक्षित कॉलोनी है, सब सर्विस वाले, उसके बाद यहाँ खोला गया है। तो अंदर गली में जाके सब दारू वारू पीते हैं, रात को 8 बजे निकलना मुश्किल हो गया। जैसे हम लोग रात को भी इवनिंग वॉक में निकलते हैं, हमको निकलना नहीं होता। अच्छा, पास में दुकान है, मतलब घर है, घर वाले निकल नहीं सकते। बगल में ये जो अग्रवाल स्वीट्स वाला है, उसका दुकान कहाँ है? लेकिन खोमचा बेचने के लिए वो किराया लिया है यहाँ पर, और वहाँ पूरा अपना खोमचा बेचते रहता है। आज इसको बंद कर दो, कल उसका दुकान बंद हो जाएगा, और बाकी खोमचा वालों को भगवा चुका है पैसा दे के, वो हो गया। इसके पहले हम लोग विधानसभा चुनाव के समय ऋषिकेश तिवारी रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दिए, तो उन्होंने मना किया था कि आप लोग ऐसा मत करो, हम हटवा देंगे। अब चुनाव खत्म हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है। अब हम ये लोग चाह रहे हैं कि अगला लोकसभा चुनाव है उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे अगर ये भट्टी नहीं हटा, ये हम लोग ठान के रखें, क्योंकि अभी तवा गर्म है, कभी कुछ होगा, अन्यथा कभी कुछ नहीं हो सकता। शराब भट्टी बंद करवाने के लिए सुबह शाम मैं परेशान रहती हूँ, मेरे घर के नीचे शराब पीते हैं, यहाँ लेते हैं और मेरे घर के पास जाके बैठते हैं। मैं शाम को निकल नहीं पाती, मेरे बच्चे लोग निकल नहीं पाते, बहुत परेशान हूँ, और लड़ाई झगड़ा करते, मारपीट करते, मेरे घर के नीचे गाली गलौज करते हैं, पूरा बदबू आता है मेरे घर अंदर घर तक। कॉलोनी के रोड में ही है, मेन रोड में है।